नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और प्लैनेट हब चैनल्स में खाली एक ही बात होती है, वो भी प्लैनेट्स की और ग्रहों की। कोई भी बेकार की बातें यहाँ होती नहीं है, कोई भी बड़ी बातें यहाँ होती नहीं है। जो रियलिस्टिक बातें होती है, जो प्लैनेट्स की बातें होती है, जो आपकी राशि आपके लग्न के हिसाब से जो अभी गोचर चल रहा है उसके हिसाब से बात होती है। तो मैं अपने व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समझिए, मून राशि से ही मैं प्रिडिक्शन देता हूं। अगर एसेंडेंट है या लग्न से कोई प्रिडिक्शन है तो उसमें हेडिंग लगा हुआ होता है कि ये प्रिडिक्शन एनालिसिस है या कोई भी ऐसा है, तो उसके ऊपर मैंने हेडिंग लगाया हुआ है और मैं उससे पहले मेंशन करता हूं। आज बात करते हैं मीन राशि गुड न्यूज़ के बारे में। मीन राशि के जैसे मैंने दो तीन वीडियो बनाए हुए हैं जो गोचर में उनकी परिस्थिति चल रही है, सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर, लेकिन एक वीडियो मुझे बनाना ज़रूरी हो जाता है गुड न्यूज़ के लिए। मीन राशि के लिए एक अच्छे समाचार आने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही समस्या से घिरी हुई है। ये महीना भी इनका जो नवंबर महीना है वो भी थोड़ा तकलीफमय, अक्टूबर भी गया हुआ है और 15-17 तारीख तक भी ये सब समस्या रहने वाली है नवंबर की। तो उनको थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे मैंने बोला हुआ है कि आप रेमिडीज़ कीजिए, थोड़े उपाय कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। इतनी अच्छी राशि है मीन राशि पाइसिस, बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग, धार्मिक है, लोगों का अच्छा सोचने वाली, सबको साथ में लेके चलने वाली, लेकिन अभी वो पीड़ित हैं घर में, जैसे मैंने बोला हुआ है वाद विवाद, माइग्रेशन, बिजनेस ठप, जॉब माइग्रेशन हो गया है, जो सैलरी आप ले रहे थे उसमें भी कम हो गया है। लेकिन बात यहाँ गुड न्यूज़ की कर रहे हैं। गुड न्यूज़ माने अभी आपके जो प्लैनेट्स हैं वो घूमने वाले हैं, अच्छा होने वाला है। जो सिचुएशन, जो तूफान आया था, ट्विस्टर आया था, वो धीरे 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 अभी थमने वाला है। तो देखते हैं वो कैसे थमेगा। यहाँ जैसे मैंने बोला हुआ 5-11 को गुरु महाराज की यहाँ एंट्री होगी। जैसे ही गुरु की एंट्री होगी तो जितने भी प्लैनेट्स हैं यहाँ, केतु शनि जो चल रहे हैं वो सभी शांत हो जाएंगे। शनि का जो भी जो ब्राह्मण है वो यहाँ बैठने वाला है 24 तारीख तक। 24 तारीख से यहाँ, जैसे जनवरी 2020 आएगा, शनि महाराज यहाँ चले जाएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस ये हाउस होता है गेन का, और ये जो राशि है मकर राशि वो शनि की राशि है, खुद की राशि है। और शनि जैसे यहाँ आ जाएंगे तो ये यहाँ 2.5 साल बैठने वाले हैं, 2.5 ईयर्स, मतलब करीबन 30 मंथ्स यहाँ रहेंगे। और गुरु महाराज यहाँ बैठे रहेंगे 1 साल तक 12 महीने तक। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। शनि का जैसे यहाँ आना और गुरु का यहाँ अकेले हो जाना, तो गुरु बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा और शनि खुद अपने घर में जा रहा है 11th हाउस में। ये लाभ स्थान है, यहाँ आपको सिर्फ लाभ ही मिलेगा, गेन ही मिलेगा। जितना आपने परेशान हुए हैं, जितना आपने तकलीफ़ झेली है, उससे आपको 100 गुना यहाँ फल अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि शनि खुद की राशि में आएंगे मकर राशि में। यहाँ इनको कोई परेशानी नहीं है आपको अच्छा फल देने में, और गुरु खुद दशम स्थान में आएंगे। ये दोनों ग्रहों का जो इस टाइप से बैठना है अलग अलग हाउस में, ये आपकी कुंडली में 4 चांद लगा देने वाले हैं। आपके लिए बहुत से तोहफे लेके आएंगे। सबसे पहले आपको घर देंगे, एक गाड़ी देंगे, एक अच्छा बिजनेस देंगे, और आपके जो रिलेशन सबसे बिगड़े हुए हैं कुटुंब फैमिली से या कोई भी ऐसे एनिमीज से, वो सब रिलेशन आपके अच्छे होने लगेंगे। बहुत अच्छा आपको एटमोसफियर आपके लिए बनेगा। जो दुश्मन थे आपसे, वो भी आपसे दूर चले जाएंगे या आपसे हार मान लेंगे। आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपका देवा ख़त्म हो जाएगा, और हर तरफ से आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। इसलिए ये वीडियो मेरे लिए बनाना ज़रूरी था, क्योंकि मीन राशि वाले व्यक्ति पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे समाचार है। ये दोनों प्लैनेट्स का यहाँ बैठना आपका जीवन ज़रूर से चेंज कर देगा। बहुत ही सुपर डुपर पीरियड आने वाला है आपका। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।